राधे राधे, कैसे हो? आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत अच्छी वीडियो। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, नमस्कार। इंडियन फूड लक्ष्मी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत काम की वीडियो, जो कि मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट फ्रेंड है उन सबके लिए ये वीडियो है। तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि कितने काम की वीडियो है ये, और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए हमें, बड़ी आसानी से बन जाता है और कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, किचन में यूज कर सकते हो इसको, कहीं में भी इसमें फ्लावर भी लगा सकते हो, आपका जी करे वैसे इसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसको किचन में यूज़ करूँगी, आप कहीं पे भी जो ठीक लगे वैसे कर सकते हो। तो चलते हैं, बनाते हैं, मैं शेयर करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने आप एक कांच का गिलास ले लिया, अपने पास 6 गिलास होते हैं तो टूट जाते हैं, एक इधर उधर होते रहते हैं, तो उसको उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम बहुत अच्छे से। तो यहाँ इस गिलास को मैंने ले लिया है, एक ही है मेरे पास, बाकी मेरे फूट गए गिरने से तो एक ही बचा है। तो मैंने सोचा इसका कुछ बनाना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2-3 प्रकार की लेस ले ली है और ये फूल ले लिए हैं, तो आप अपनी पसंद से कोई भी लेस ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है ग्लू स्टिक, जो भी 10 रुपीज़ का आ जाता है। तो इसको मैं गैस पर गर्म करके लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं है। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे लगा सकते हो। तो यहाँ मैं इसको गरम कर लिया है और यहाँ मैं किनारे किनारे लगा दूंगी, और इससे हाथ बचा लेना क्योंकि हाथ बहुत जल्दी चिपकता है, तो ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं किनारे पे पूरा गोल करके लेस लगा दूंगी, और ये लेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हो लेस। तो यहाँ मैंने पूरा लगा लिया, जो एक्स्ट्रा की लेस है तो मैं इसको कट कर दूंगी और चिपका दूंगी। ग्लू गन से बहुत जल्दी चिपक जाता है और जल्दी चिपक जाता है। तो यहाँ मैं नीचे दूसरे वाली लैस है इसको लगा दूंगी, लगेगा ही नहीं कि ये कांच का गिलास है, एकदम से देखना कितना अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ मैं इसको गर्म करके फिर से नीचे बीच में ये वाली लैस लगा दूंगी, आप कोई सी भी लगा सकते हो जैसा आपका जी करे वैसा, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हो, मतलब कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ मैं लगा देती हूँ अच्छे से, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा की लेस है ना मैं इसको भी कट कर दूंगी, यहाँ मैंने लगा दिया है। और नीचे मैं जो मैंने ऊपर लगाई थी वो लेस लगाऊंगी, तो फूल भी लगाऊंगी मैं ऐसे, पहले यहाँ पे लेस लगाऊंगी जब जाके उसके ऊपर फूल लगाऊंगी। तो यहाँ पहले मैं इस वाली लेस को लगा लेती हूँ, तो ऐसे करके मैं लगा लेती हूँ ग्लू गन को गर्म करके। तो यहाँ मैंने लगा लिया है थोड़ा सा, अभी मैं ये फूल लगाऊंगी। तो आप कोई से भी फूल ले सकते हैं जो आपके पास है, कैसे भी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, आपकी इच्छा है, आप देख लेना। ये मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने लगा दिए, क्योंकि ऐसे मैं रख लेती हूँ, मैंने ख़रीदा नहीं है, जैसे कि कोई लेस होती है तो उसमें से कट करके रख लेती हूँ फिर काम आ जाती है। तो यहाँ जो नीचे ये नंग वाली लेस है ये लगा दूंगी, इससे और अच्छा जो किनारी है ना हमारी वो दिखेगी नहीं और अच्छी भी लगेगी। देखो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है देखो। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ किचन का कुछ भी सामान, नाइफ वगैरह, ब्रश, लाइटर वगैरह, आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ स्पून्स रख सकते हो आप, मतलब कुछ भी चीज़ रख सकते हो, यहाँ पेन का भी यूज कर सकते हो, इसमें आप पेन भी रख सकते हो, फ्लावर्स भी लगा सकते हो। तो बताना मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन को हिट करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो वो आपको मिल जाए। राधे राधे सबको।